हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने 20 प्रश्न का डिस्कस कराया था और आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो में सेल चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कराया, जैसे मैंने 50 MCQ कराया था। दूसरे मैंने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया। अब इस वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था जंतु कोशिका के बारे में, जंतु उत्तक के बारे में, ठीक है? मैंने बताया था जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो इसमें जनरली आपको इसी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी एनिमल टिश्यूज से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 70 प्रश्न उसमें हो गए थे, 70 तक, इसमें हम लोग 71 से स्टार्ट करेंगे। नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका का बाहरी तथा भीतरी स्तर किसका बना होता है? तो देखिए, जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो उसका एक्सटर्नल एंड इनर जो पार्ट होता है सेल का, वह किसका बना होता है? एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, एपिथेलियम उत्तक का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, निम्न में कौन संयोजी उत्तक है? तो देखिए, संयोजी उत्तक की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो कनेक्टिव टिश्यू वैसे टिश्यूज़ को कहा जाता है जो हमारे सभी ऑर्गन्स को एक साथ कनेक्ट करके रखता है, जो सभी अंगों को एक साथ जोड़ कर रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक बोलते हैं, ठीक है? यानी कि कनेक्ट करने वाले टिश्यूज़ को, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखने वाले टिश्यूज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यूज़ बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हड्डी, पेशी और रक्त तीनों जो हैं कनेक्टिव टिश्यू हैं, संयोजी उत्तक हैं। अगला है, पेशियों को हड्डी से कौन सा उत्तक जोड़ता है? ठीक है, यानी कि मसल्स टू बोन कौन कनेक्ट करने का काम करता है? तो देखिए, मसल्स टू बोन जो है वह कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, MBT, मसल्स बोन टेंडन। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MBT, तो यहाँ पर भी आप MBT याद रख सकते हैं, मसल्स बोन एंड टेंडन। टेंडन को हिंदी में कांडड़ा भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, हिंदी में कभी कभार यदि ऑप्शन में दे कांडड़ा तो उस समय कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, यानी कि हु कनेक्टिंग बोन टू बोन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट, स्नायु जो है वह हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करने का काम करता है, और मसल्स को बोन से कौन? तो टेंडन, ठीक है, मसल्स टू बोन टेंडन एंड बोन टू बोन लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्रमशः सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी हड्डी है? ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो टिश्यूज बोन्स होते हैं वो कौन से हैं? तो लॉन्गेस्ट बोन की बात करें तो वो होता है फीमर, जिसे ऊड़ू भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ऊड़ू। फीमर जो है वह जांग की हड्डी है जो हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। और बात करें सबसे छोटी, तो स्टेपीज होती है जो सबसे छोटी हड्डी है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे बॉडी का। और ये कहाँ पाया जाता है? तो मिडिल एयर में पाया जाता है, मध्य कान में पाया जाता है। कान में 6 हड्डी होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ब्लड से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि टिश्यू भी क्या है, ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक जिसको बोलते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो मैंने भी बताया, रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। यह भी क्या करता है? हमारे शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट होकर के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न आता है कब? जब लिख देगा रक्त कितने प्रकार के होते हैं, और इसी में एक और क्वेश्चन पूछ देगा रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं। जब पूछता है रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा दो। रक्त दो प्रकार के, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिका, ब्लड सेल्स, जिसको रुधिराणु भी कहते हैं, ठीक है। और जब ये पूछ लेगा कि रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं या रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तब उसका आंसर हो जाएगा 3,
इसमें पूछा है रक्त कितने प्रकार के होते हैं, आंसर होगा दो। नेक्स्ट है आयतन के हिसाब से प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो याद रखिएगा आयतन के हिसाब से जो प्लाज्मा होता है वो संपूर्ण रक्त का कितना भाग होता है, 55% भाग होता है। ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है। देखिए कहीं कहीं आपको 60% में मिलेंगे लेकिन NCERT में आपको 55% दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऑप्शन में 55 ना दे करके 60 रहे तो आप 60 को टेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है रक्त के ठोस भाग कौन है, रक्त का जो ठोस भाग होता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए मैंने बताया रक्त दो प्रकार के, एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड सेल। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और इसमें 90% वाटर होते हैं, कितना 90% इसमें वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स होते हैं और उसके बाद डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन अगर हम सॉलिड पार्ट की बात करें तो सॉलिड मीन्स मॉलिक्यूल्स रूप में होते हैं आपका ये, तो कौन होता है, ये आपका ब्लड सेल होते हैं, रक्त कणिका होता है। तो रक्त का ठोस भाग कौन हो जाएगा, रक्त कणिका, जैसे हम लोग RBC WBC प्लेटलेट्स कहते हैं ना, ये रक्त का ठोस भाग है। अगला है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को कौन विकसित करता है, तो देखिए इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है WBC। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आरबी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चूँकि हम लोग सेल पढ़ रहे हैं तो ब्लड के बारे में हम लोगों को पूरी तरीके से कम्प्लीटली पता होना चाहिए ताकि ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो कंप्लीट कर पाएँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका के बारे में। अगर हम बात करें इसके वैज्ञानिक नाम का, तो इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है। ठीक है, RBC जो होता है वह लाल रंग का होता है, किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है इसी वजह से यह क्या होता है, लाल रंग का पाया जाता है। इसके काम की बात करें तो यह क्या कराता है, श्वसन गैस का परिवहन कराता है। हम लोग जो सांस लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्सक्रिएशन में, या फिर रिस्पायरेशन की बात करें, रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वह किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से होता है, यानी RBC के माध्यम से ही होता है। RBC में क्या पाया जाता है, लोहा नामक धातु पाया जाता है। चूँकि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, तो हम बोल सकते हैं कि RBC में भी लोहा पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि RBC में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा, याद रखिएगा Fe इसका संकेत होता है। RBC की बात करें तो यह शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, RBC क्या है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट है कि इसका अगर हम लाइफ स्पान की बात करें तो लाइफ स्पान क्या होता है, 20 to 120 डेज तक इसका लाइफ स्पान होता है, उसके बाद ये एक्सपायर कर जाता है। कहाँ, तो यकृत और प्लीहा में जाकर के यकृत या प्लीहा में जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है। निर्माण कहाँ होता है इसका, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। RBC का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है, यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, श्वसन गैस के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है और इसमें लोहा नामक धातु पाया जाता है। यह शरीर की सबसे छोटी कोशिका है और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, मृत्यु कहाँ होता है, स्प्लीन या प्लीहा में। अब बात कर लें WBC का, यहाँ पर RBC हो गया, WBC कर लीजिएगा। WBC की बात करें तो वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं हिंदी में, श्वेत रक्त कणिका। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, और यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करने का काम करता है। चूँकि WBC 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और पाया जाता है। ठीक है, और एक होता है एग्रीनोलोसाइट, जिसमें क्या होता है कि आपका जो लिम्फोसाइट होता है वह क्या करता है आपका शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए चूँकि यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करता है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक, पुलिसमैन या आर्मी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन जैसा कोई भी वर्णक नहीं होता इसलिए यह रंगहीन होता है। WBC की बात करें तो WBC का जो सबसे बड़ा कण होता है इसको मोनोसाइट्स कहा जाता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से WBC पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं। जीवन काल की बात करें तो 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है, लाइफ स्पान होता है। अब बात कर लें प्लेटलेट्स का यानी रक्त पट्टी कणों, इसका जो वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट है। क्या है, थ्रोम्बोसाइट, यह क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। मान लीजिए शरीर में रक्त थक्का नहीं बनता है तो यह एक डिजीज़ का रूप ले लेता है और उस डिजीज़ को बोलते हैं हीमोफीलिया।
ठीक है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है कि शरीर में अगर एक सुई भी चुभ जाए तो इतनी मात्रा में ब्लड का सेक्रेशन होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो याद रखिएगा हीमोफीलिया होता है। और हीमोफीलिया एक प्रकार का अनुवंशिक रोग है। अनुवंशिक कहने का मतलब होता है जेनेटिक, यानी कि पेरेंटल सेल से डॉटर सेल में ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी भी कैरेक्टर का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो आपका हीमोफीलिया है यह अनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज़ है। ये विरासत में माता पिता से उनके बच्चे में भी स्थानांतरित हो सकता है। अब बात करें प्लेटलेट्स, तो रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, लेकिन इसके अलावा एक और विटामिन है जिसके वजह से क्या होता है रक्त का थक्का बनता है, जो क्या है विटामिन के। इसके जीवन काल की बात करें तो 3 से 5 दिन इसका लाइफ स्पान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है। तो मैंने जस्ट बताया था मानव शरीर का जो सैनिक होता है वो किसे कहा जाता है, WBC को कहा जाता है। नेक्स्ट है रोगों से लड़ने में कौन मदद करता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है लिम्फोसाइट, चूँकि यह इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है इसलिए यह डिजीज से भी हमें क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, रोगों से भी लड़ने का काम करता है। तो लिम्फोसाइट यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो रक्त में लोहा पाया जाता है और मैग्नीशियम किस में, हरित लवक में पाया जाता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो RBC का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ल्यूकोसाइट किसका, WBC का। थ्रोम्बोसाइट किसका, प्लेटलेट्स का, यानी रक्त पट्टी कानों का। नेक्स्ट है RBC तथा WBC का अनुपात क्या होता है। हमारे शरीर में RBC और WBC का रेशियो कितना होता है, तो चूंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, RBC भी मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड पार्ट है ब्लड का, WBC भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो जहां हमारे शरीर में RBC के 600 मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां WBC के कितने, मात्र 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं RBC और WBC का रेशियो क्या हो जाएगा, 600:1, यानी कि 600:1। और यदि इसी को उलट करके क्वेश्चन पूछ दे कि WBC तथा RBC का रेशियो, तो आप भी इसी तरीके से उसको उल्टा कर दीजिएगा।